हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान सिंह, वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फिलहाल के लिए आपके इंडियन रेलवे द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट आपके लिए जारी कर दी गई है। रिक्रूटमेंट है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वही 10+2 लेवल की आपकी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल कम टिकट ट्रिकर कलर की हो गई, ट्रेन कलर हो गई, अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट की हो गई, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की हो गई। तो ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। अगर बात करें कितनी टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही है, टोटल आपको 3,445 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉन टेक्निकल में रहेगी रहने वाली है और 10+2 अंडर ग्रेजुएट के लिए ही ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करी जाएगी आपके साथ, तो यहाँ पे अगर बात करें कितनी पोस्ट है, तो आपके पास 3,445 पोस्ट को टोटल देखने को मिल जाएंगी। और डिफरेंट डिफरेंट आपके पोस्ट हैं। तो अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रात से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, यानी कि 21 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 21 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कब तक चलने वाला है, 20 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके पास काफ़ी ठीक ठाक टाइम मिल जा रहा है, 1 मंथ का एक आपको टाइम पीरियड मिल जा रहा है। मुझे लगता है ना कि जल्द से जल्द इतना जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है। और फिर बात आती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 20 अक्टूबर को अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, लेकिन अगर मान लीजिए फीस पेमेंट नहीं हो पाई आपकी, तो आपको टोटल टाइम मिल जा रहा है 22 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को पेमेंट करने का। फिर बात आती है, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप 23 से लेके 1 नवंबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और एग्ज़ाम डेट की बात करें, तभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, जब भी आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल के लिए अगर एडमिट कार्ड की बात करें, तो जब भी आपका एग्ज़ाम डेट रहता है, एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आपका क्या है, एडमिट कार्ड आ जाता है। अब लगे हाथ बात कर ली जाए आपके अप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जो हमारे जनरल कैटेगरी के OBC हो गए, EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, इनको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और हमारे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो भी होने वाले हैं, उनको 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये पे करने होंगे। और सभी कैटेगरी की हमारी फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी, यानी महिला कैंडिडेट जो भी हैं, उनको 250 रुपीज़ ही पे करने होंगे। और यहाँ पे आपको अगर एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे दो स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। जब आप स्टेज फर्स्ट दे रहे हो, स्टेज फर्स्ट देने के बाद आपका फीस जो है रिफंड हो जाने वाला है। जो हमारे अनरिजर्व OBC EWS होंगे, उनका फीस रिफंड 400 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 500 फीस लगी है लेकिन 400 उनका रिफंड हो जाएगा। लेकिन हमारे SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका पूरा पूरा पैसे वापस हो जा रहे हैं, यानी 250 रुपीज़ पूरा रिफंड हो जाने वाला है। फिर बात आती है, डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को आप पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज़ एक बार क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल अगर नए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपके इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्लस आपके प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और आगे कंप्यूटर से रिलेटेड आपके नए नए वीडियोज आने वाले हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको अपडेट मिल पाएगा। फिर एज लिमिट की अगर बात करी जाए, तो यहाँ मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 18 साल होने वाला है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 37 साल होने वाला है, यानी 18 से 37 के बीच में है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हो। और आपका NTPC द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट में आपको कुछ एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपके OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, SC हो गए, ST हो गए, इनका फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो गए, इनको कुछ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। OBC की बात करें, 3 साल का दे दिया जाता है। और SC और ST की बात करें, तो इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर रही बात आपके फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट का, इनको 10 साल का दे दिया जाता है आपके फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो भी डिटेल हैं चीज़ें, अभी चलेंगे आपके नोटिफिकेशन में देख लिया जाएगा।
अब बात आती है भाई हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी है। हमारे पास कमर्शियल कम ट्रिकर कलर की वैकेंसी है जिसमें कि 2022 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर आता है दूसरा आपका है क्या है, ट्रेन कलर की बात करें तो 72 पोस्ट देखने को मिल जा रही। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिकली आपको इसमें 12th पास आउट होना है। आप अगर 12th पास आउट हैं प्लस आपका जनरल OBC EWS वालों को 50% मार्क लेना है लाना है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट बस पास रहने चाहिए यानी 33% मार्क अगर उनका रहेगा तो वो क्या है पास हैं प्लस वो एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे जो जनरल OBC EWS रहेंगे उनको 12th पास होना है, पास आउट रहना चाहिए तब जाके वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं किसके लिए, कॉमर्शियल कम टिकर कलर के लिए और ट्रेन कलर के लिए। फिर आता है अगला पोस्ट हमारा अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की, इसमें 361 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। इनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम टू सेम है, बस इसमें आपका टाइपिंग बढ़ जा रहा है, 12th पास आउट होना चाहिए और जनरल OBC EWS 50% मार्क होना चाहिए, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप बस पास होने चाहिए और उनका कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और या तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट उनको टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990 पोस्ट हैं यानी 990 पोस्ट इनका भी देखने को मिल जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, प्लस इसमें बस आपका स्किल टेस्ट ऐड हो जा रहा है यानी कंप्यूटर टाइपिंग की आपकी टेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस की बात करें सिंपली आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, एक बात और बता दें कि यहाँ पे पहला आपका स्टेज फर्स्ट होगा, स्टेज फर्स्ट होगा, स्टेज जब फर्स्ट आप पास कर लेंगे तब जाके आप स्टेज सेकंड दे पाएंगे, ठीक है। तब जाके आपको स्टेज सेकंड देना होगा, स्टेज सेकंड देने के बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है यानी मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सीबी आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज आपका CBT मोड में होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे आपका एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होने वाला है, जहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके पूछे जाने वाले हैं, यानी 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क आपका अलॉट होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको 100 द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर PWD कैंडिडेट यानी जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट रहेंगे उनको 120 मिनट में मिलेंगे और नॉर्मल कैंडिडेट को 90 मिनट का टाइम अलॉट किया जाता है। यहाँ पे हमारा 1/3 माइनस मार्किंग भी होने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, जो लोग स्टेज फर्स्ट को निकाल लेते हैं वही लोग क्या है स्टेज सेकेंड में जाने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये आपका डिटेल्ड सिलेबस रहा है। डिटेल सिलेबस का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ये आपका मैथ का रहा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहा, जनरल अवेयरनेस का रहा और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं आपके नोटिफिकेशन का, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर स्टेज सेकंड की बात करें, अगर स्टेज फर्स्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप फिर जाके स्टेज सेकंड में आते हैं, स्टेज सेकंड में भी आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा, वही जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके इसमें स्टेज सेकेंड में, यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आपके पेपर होंगे आपका स्टेज सेकेंड, ठीक है। इसमें भी 1/3 आपका क्या है निगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए काम आगे करिएगा, ठीक है। और इसका भी ये डिटेल सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड करना चाहें यानी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप कुछ डाउट रह जाए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और फिर लास्ट में आपका क्या है स्टेज थर्ड क्या है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिन लोग अगर वही किस 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 पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जो लोग कलर टाइपिंग टाइपिस्ट वाला भर रहे हैं, कलर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का भर रहे हैं उनके लिए क्या है स्किल टेस्ट होने वाला है यानी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो वो अपना अपने लिए तैयार रखना यानी कंप्यूटर पे ही करना होगा, तो आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली, तब जाके वहाँ पे हो पाने वाला है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए हमने डिटेल में सारा चीज़ बता दिया है, अगर कुछ डाउट रह जाए तो कॉमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आपको अगर इसको पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भी चलते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो सिंपली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है
आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या है, नोटिफिकेशन ओपन हो जा रहा है। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके बाद आप सिंपली यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो लास्ट में पूछा जाएगा। अभी सबसे पहले ये सारे डिटेल को आप भरिएगा, उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, पहले आपको क्रिएट करना होगा अकाउंट पे, अकाउंट को क्रिएट करना होगा, फिर लॉग इन हियर पे क्लिक करेंगे। तो फिर लॉग इन करके फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो एक बार हमें कॉमेंट कर दीजिएगा और आपकी पूर्णतः मदद करने का प्रयास करूंगा। हमारा यही काम है और मेरा यही उद्देश्य रहेगा। और अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके से नए नए कंटेंट के साथ और नए नए इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, और आगे हम बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हैं आपके लिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो बस हमारा यही गुजारिश रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।